अर्जुन ने पूछा, जो आपकी सेवा में सदैव तत्पर रहते हैं या जो अव्यक्त निर्विशेष ब्रह्म की पूजा करते हैं, इन दोनों में से किसे अधिक पूर्ण माना जाए? श्री भगवान ने कहा, जो लोग अपने मन को मेरे साकार रूप में एकाग्र करते हैं और अत्यंत श्रद्धा पूर्वक मेरी पूजा करने में सदैव लगे रहते हैं, वे मेरे द्वारा परम सिद्ध माने जाते हैं। लेकिन जो लोग अपने इंद्रियों को वश में करके तथा सबों के प्रति संभाव रखकर परम सत्य की निराकार कल्पना के अंतर्गत उस अव्यक्त की पूरी तरह से पूजा करते हैं, जो इंद्रियों की अनुभूति के परे है, सर्वव्यापी है, अकल्पनीय है, अपरिवर्तनीय है, अचर तथा ध्रुव है, वे समस्त लोगों के कल्याण में संलग्न रहकर अंततः मुझे प्राप्त करते हैं। जिन लोगों के मन परमेश्वर के अव्यक्त निराकार स्वरूप के प्रति आसक्त हैं, उनके लिए प्रगति कर पाना अत्यंत कष्टप्रद है। देहधारियों के लिए उस क्षेत्र में प्रगति कर पाना सदैव दुष्कर होता है। जो अपने सारे कार्यों को मुझ में अर्पित करके तथा अविचलित भाव से मेरी भक्ति करते हुए मेरी पूजा करते हैं और अपने चित्तों को मुझ पर स्थित करके निरंतर मेरा ध्यान करते हैं, उनके लिए हे पार्थ, मैं जन्म मृत्यु के सागर से शीघ्र उद्धार करने वाला हूँ। मुझ भगवान में अपने चित्त को स्थिर करो और अपनी सारी बुद्धि मुझ में लगाओ। इस प्रकार तुम निसंदेह मुझ में सदैव वास करोगे। हे अर्जुन, हे धनंजय, यदि तुम अपने चित्त को विचल भाव से मुझ पर स्थिर नहीं कर सकते तो तुम भक्ति योग के विधि विधानों का पालन करो। इस प्रकार तुम मुझे प्राप्त करने की चाह उत्पन्न करो। यदि तुम भक्ति योग के विधि विधानों का भी अभ्यास नहीं कर सकते तो मेरे लिए कर्म करने का प्रयत्न करो, क्योंकि मेरे लिए कर्म करने से तुम पूर्ण अवस्था को प्राप्त होगे। किंतु यदि तुम मेरे इस भावनामृत में कर्म करने में असमर्थ हो तो तुम अपने कर्म के समस्त फलों को त्याग कर कर्म करने का तथा आत्मस्थित होने का प्रयत्न करो। यदि तुम यह अभ्यास नहीं कर सकते तो ज्ञान के अनुशीलन में लग जाओ। लेकिन ज्ञान से श्रेष्ठ ध्यान है और ध्यान से भी श्रेष्ठ है कर्म फलों का परित्याग, क्योंकि ऐसे त्याग से मनुष्य को मनःशांति प्राप्त हो सकती है। जो किसी से द्वेष नहीं करता लेकिन सभी जीवों का दयालु मित्र है, जो अपने को स्वामी नहीं मानता और मिथ्या अहंकार से मुक्त है, जो सुख दुख में संभाव रहता है, सहिष्णु है, सदैव आत्मतुष्ट रहता है, आत्मसंयमी है, तथा जो निश्चय के साथ मुझ में मन तथा बुद्धि को स्थिर करके भक्ति में लगा रहता है, ऐसा भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है। जिससे किसी को कष्ट नहीं पहुंचता तथा जो अन्य किसी के द्वारा विचलित नहीं किया जाता, जो सुख दुख में भय तथा चिंता में संभाव रखता है, वह मुझे अत्यंत प्रिय है। मेरा ऐसा भक्त जो सामान्य कार्यकलापों पर आश्रित नहीं है, जो शुद्ध है, दक्ष है, चिंता रहित है, समस्त कष्टों से रहित है और किसी कभी हर्षित होता है न शोक करता है, जो न तो पछताता है न इच्छा करता है, तथा जो शुभ तथा अशुभ दोनों प्रकार की वस्तुओं का परित्याग कर देता है, ऐसा भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है। जो मित्रों तथा शत्रुओं के लिए समान है, जो मान तथा अपमान, शीत तथा गर्मी, सुख तथा दुख, यश तथा अपयश में संभाव रखता है, जो दूषित संगति से सदैव मुक्त रहता है, जो सदैव मौन और किसी भी वस्तु से संतुष्ट रहता है, जो किसी प्रकार के घर बार की परवाह नहीं करता, जो ज्ञान में दृढ़ है और जो भक्ति में संलग्न है, ऐसा पुरुष मुझे अत्यंत प्रिय है। जो इस भक्ति के अमर पथ का अनुसरण करते हैं और जो मुझे ही अपना चरम लक्ष्य बनाकर श्रद्धा सहित पूर्ण रूपेण संलग्न रहते हैं, वे भक्त मुझे अत्यधिक प्रिय है। अध्याय 13, प्रकृति, पुरुष तथा चेतना। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, मैं प्रकृति एवं पुरुष, क्षेत्र एवं क्षेत्रज्ञ तथा ज्ञान एवं ज्ञेय के विषय में जानने का इच्छुक हूँ।
भगवान ने कहा, हे कुंती पुत्र, यह शरीर क्षेत्र कहलाता है और इस क्षेत्र को जानने वाला क्षेत्रज्ञ है। हे भरतवंशी, तुम्हें ज्ञात होना चाहिए कि मैं इस समस्त शरीरों में ज्ञाता भी हूँ और इस शरीर तथा इसके ज्ञाता को जान लेना ज्ञान कहलाता है, ऐसा मेरा मत है। अब तुम मुझसे यह सब संक्षेप में सुनो कि कर्म क्षेत्र क्या है, यह किस प्रकार बना है, इसमें क्या परिवर्तन होते हैं, यह कहाँ से उत्पन्न होता है, इस कर्म क्षेत्र को जानने वाला कौन है और उसके क्या प्रभाव है। विभिन्न वैदिक ग्रंथों में विभिन्न ऋषियों ने कार्यकलापों के क्षेत्र तथा उन कार्यकलापों के ज्ञाता के ज्ञान का वर्णन किया है। इसे विशेष रूप से वेदांत सूत्र में कार्य कारण के समस्त तर्क समेत प्रस्तुत किया गया है। पंच महाभूत, अहंकार, बुद्धि, अव्यक्त, दसों इंद्रियां तथा मन, पांच इंद्रिय विषय, इच्छा, द्वेष, सुख, दुख, संघात, जीवन के लक्षण तथा धैर्य, इन सब को संक्षेप में कर्म का क्षेत्र तथा उसकी अंतःक्रियाएं कहा जाता है। विनम्रता, दम्भहीनता, अहिंसा, सहिष्णुता, सरलता, प्रामाणिक गुरु के पास जाना, पवित्रता, स्थिरता, आत्मसंयम, इंद्रिय तृप्ति के विषयों का परित्याग, अहंकार का अभाव, जन्म मृत्यु वृद्धावस्था तथा रोग के दोषों की अनुभूति, वैराग्य, संतान स्त्री घर तथा अन्य वस्तुओं की ममता से मुक्ति, अच्छी तथा बुरी घटनाओं के प्रति संभाव, मेरे प्रति निरंतर अनन्य भक्ति, एकांत स्थान में रहने की इच्छा, जन समूह से विलगाव, आत्म साक्षात्कार की महत्ता को स्वीकारना तथा परम सत्य की दार्शनिक खोज, इन सबको मैं ज्ञान घोषित करता हूँ और इनके अतिरिक्त जो भी है वह सब अज्ञान है। अब मैं तुम्हें ये के विषय में बतलाऊंगा जिसे जानकर तुम नित्य ब्रह्म का आस्वादन कर सकोगे। यह ब्रह्म या आत्मा जो अनादि है और मेरे अधीन है, इस भौतिक जगत के कार्य कारण से परे स्थित है। उनके हाथ, पांव, आंखें, सिर तथा मुंह तथा उनके कान सर्वत्र हैं। इस प्रकार परमात्मा सभी वस्तुओं में व्याप्त होकर अवस्थित है। परमात्मा समस्त इंद्रियों के मूल स्रोत हैं, फिर भी वे इंद्रियों से रहित हैं। वे समस्त जीवों के पालन करता होकर भी अनासक्त हैं। वे प्रकृति के गुणों से परे हैं, फिर भी वे भौतिक प्रकृति के समस्त गुणों के स्वामी हैं। परम सत्य जड़ तथा जंगम समस्त जीवों के बाहर तथा भीतर स्थित हैं। सूक्ष्म होने के कारण वे भौतिक इंद्रियों के द्वारा जानने या देखने से परे हैं। यद्यपि वे अत्यंत दूर रहते हैं, किंतु हम सबों के निकट भी हैं। यद्यपि परमात्मा समस्त जीवों के मध्य विभाजित प्रतीत होता है, लेकिन वह कभी भी विभाजित नहीं है। वह एक रूप में स्थित है। यद्यपि वह प्रत्येक जीव का पालन करता है, लेकिन यह समझना चाहिए कि वह सबों का संहार करता है और सबों को जन्म देता है। वे समस्त प्रकाशमान वस्तुओं के प्रकाश स्रोत हैं। वे भौतिक अंधकार से परे हैं और अगोचर हैं। वे ज्ञान हैं, ज्ञेय हैं और ज्ञान के लक्ष्य हैं। वे सबके हृदय में स्थित हैं। इस प्रकार मैंने कर्म क्षेत्र, ज्ञान तथा ज्ञेय का संक्षेप में वर्णन किया है। इसे केवल मेरे भक्त ही पूरी तरह समझ सकते हैं और इस तरह मेरे स्वभाव को प्राप्त होते हैं। प्रकृति तथा जीवों को अनादि समझना चाहिए। उनके विकार तथा गुण प्रकृति जन्य है। प्रकृति समस्त भौतिक कारणों तथा कार्यों की हेतु कही जाती है और जीव इस संसार में विभिन्न सुख दुख के भोग का कारण कहा जाता है। इस प्रकार जीव प्रकृति के तीनों गुणों का भोग करता हुआ प्रकृति में ही जीवन बिताता है। यह उस प्रकृति के साथ उसकी संगति के कारण है। इस तरह उसे उत्तम तथा अघम योनियां मिलती रहती हैं। तो भी इस शरीर में एक अन्य दिव्य भोक्ता है जो ईश्वर है, परम स्वामी है और साक्षी तथा अनुमति देने वाले के रूप में विद्यमान है और जो परमात्मा कहलाता है। जो व्यक्ति प्रकृति, जीव
तथा प्रकृति के गुणों की अंतर्क्रिया से संबंधित इस विचारधारा को समझ लेता है, उसे मुक्ति की प्राप्ति सुनिश्चित है। उसकी वर्तमान स्थिति चाहे जैसी हो, यहाँ पर उसका पुनर्जन्म नहीं होगा। कुछ लोग परमात्मा को ध्यान के द्वारा अपने भीतर देखते हैं, तो दूसरे लोग ज्ञान के अनुशीलन द्वारा, और कुछ ऐसे हैं जो निष्काम कर्म योग द्वारा देखते हैं। ऐसे भी लोग हैं जो यद्यपि आध्यात्मिक ज्ञान से अवगत नहीं होते, पर अन्यों से परम पुरुष के विषय में सुनकर उनकी पूजा करने लगते हैं। ये लोग भी प्रामाणिक पुरुषों से श्रवण करने की मनोवृत्ति होने के कारण जन्म तथा मृत्यु के पथ को पार कर जाते हैं। हे भरत वंशियों में श्रेष्ठ, यह जान लो कि चर तथा अचर जो भी तुम्हें अस्तित्व में दिख रहा है, वह कर्म क्षेत्र तथा क्षेत्र के ज्ञाता का संयोग मात्र है। जो परमात्मा को समस्त शरीरों में आत्मा के साथ देखता है, और जो यह समझता है कि इस नश्वर शरीर के भीतर न तो आत्मा न ही परमात्मा कभी भी विनष्ट होता है, वही वास्तव में देखता है। जो व्यक्ति परमात्मा को सर्वत्र तथा प्रत्येक जीव में समान रूप से वर्तमान देखता है, वह अपने मन के द्वारा अपने आप को भ्रष्ट नहीं करता। इस प्रकार वह दिव्य गंतव्य को प्राप्त करता है। जो यह देखता है कि सारे कार्य शरीर द्वारा संपन्न किए जाते हैं, जिसकी उत्पत्ति प्रकृति से हुई है, और जो देखता है कि आत्मा कुछ भी नहीं करता, वही यथार्थ में देखता है। जब विवेकवान व्यक्ति विभिन्न भौतिक शरीरों के कारण विभिन्न स्वरूपों को देखना बंद कर देता है, और यह देखता है कि किस प्रकार से जीव सर्वत्र फैले हुए हैं, तो वह ब्रह्म बोध को प्राप्त होता है। शाश्वत दृष्टि संपन्न लोग यह देख सकते हैं कि अविनाशी आत्मा दिव्य, शाश्वत तथा गुणों से अतीत है। हे अर्जुन, भौतिक शरीर के साथ संपर्क होते हुए भी आत्मा न तो कुछ करता है और न लिप्त होता है। यद्यपि आकाश सर्वव्यापी है, किंतु अपनी सूक्ष्म प्रकृति के कारण किसी वस्तु से लिप्त नहीं होता। इसी तरह ब्रह्म दृष्टि में स्थित आत्मा शरीर में स्थित रहते हुए भी शरीर से लिप्त नहीं होता। हे भरत पुत्र, जिस प्रकार सूर्य अकेले ही सारे ब्रह्मांड को प्रकाशित करता है, उसी प्रकार शरीर के भीतर स्थित एक आत्मा सारे शरीर को चेतना से प्रकाशित करता है। जो लोग ज्ञान के चक्षुओं से शरीर तथा शरीर के ज्ञाता के अंतर को देखते हैं, और भव बंधन से मुक्ति की विधि को भी जानते हैं, उन्हें परम लक्ष्य प्राप्त होता है। अध्याय 14 है, प्रकृति के तीन गुण। भगवान ने कहा, अब मैं तुमसे समस्त ज्ञानों में सर्वश्रेष्ठ इस परम ज्ञान को पुनः कहूंगा, जिसे जान लेने पर समस्त मुनियों ने परम सिद्धि प्राप्त की है। इस ज्ञान में स्थिर होकर मनुष्य मेरी जैसी दिव्य प्रकृति को प्राप्त कर सकता है। इस प्रकार स्थित हो जाने पर वह न तो सृष्टि के समय उत्पन्न होता है और न प्रलय के समय विचलित होता है। हे भरत पुत्र, ब्रह्म नामक समग्र भौतिक वस्तु जन्म का स्रोत है, और मैं इसी ब्रह्म को गर्भस्थ करता हूँ, जिससे समस्त जीवों का जन्म संभव होता है। हे कुंती पुत्र, तुम यह समझ लो कि समस्त प्रकार की जीव योनियां इस भौतिक प्रकृति में जन्म द्वारा संभव है, और मैं उनका बीज प्रदाता पिता हूँ। भौतिक प्रकृति तीन गुणों से युक्त है, ये हैं सतो, रजो तथा तमोगुण। हे महाबाहु अर्जुन, जब शाश्वत जीव प्रकृति के संसर्ग में आता है, तो वह इन गुणों से बंध जाता है। हे निष्पाप, सतोगुण अन्य गुणों की अपेक्षा अधिक शुद्ध होने के कारण प्रकाश प्रदान करने वाला और मनुष्यों को सारे पाप कर्मों से मुक्त करने वाला है। जो लोग इस गुण में स्थित होते हैं, वे सुख तथा ज्ञान के भाव से बंध जाते हैं। हे कुंती पुत्र, रजोगुण की उत्पत्ति असीम आकांक्षाओं तथा तृष्णाओं से होती है, और इसी के कारण से यह देहधारी जीव सकाम कर्मों से बंध जाता है। हे भरत पुत्र, तुम जान लो कि ज्ञान से उत्पन्न तमोगुण समस्त देहधारी जीवों का मोह है। इस गुण के प्रतिफल पागलपन, आलस तथा नींद है,
जो बद्ध जीव को बांधते हैं। हे भरत पुत्र, सतोगुण मनुष्य को सुख से बांधता है, रजोगुण सकाम कर्म से बांधता है और तमोगुण मनुष्य के ज्ञान को ढककर उसे पागलपन से बांधता है। हे भरत पुत्र, कभी कभी सतोगुण रजोगुण तथा तमोगुण को परास्त करके प्रधान बन जाता है, तो कभी रजोगुण सतोगुण तथा तमोगुणों को परास्त कर देता है और कभी ऐसा होता है कि तमोगुण सतो तथा रजोगुणों को परास्त कर देता है। इस प्रकार श्रेष्ठता के लिए निरंतर स्पर्धा चलती रहती है। सतोगुण की अभिव्यक्ति को तभी अनुभव किया जा सकता है जब शरीर के सारे द्वार ज्ञान के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। हे भरत वंशियों में प्रमुख, जब रजोगुण में वृद्धि हो जाती है तो अत्यधिक आसक्ति, सकाम कर्म, गहन उद्यम तथा अनियंत्रित इच्छा एवं लालसा के लक्षण प्रकट होते हैं। जब तमोगुण में वृद्धि हो जाती है तो हे गुरुपुत्र, अंधेरा, जड़ता, प्रमत्तता तथा मोह का प्राकट्य होता है। जब कोई सतोगुण में मरता है तो उसे महर्षियों के विशुद्ध उच्चतर लोकों की प्राप्ति होती है। जब कोई रजोगुण में मरता है तो वह सकाम कर्मियों के बीच में जन्म ग्रहण करता है, और जब कोई तमोगुण में मरता है तो वह पशु योनि में जन्म धारण करता है। पुण्य कर्म का फल शुद्ध होता है और सात्विक कहलाता है, लेकिन रजोगुण में संपन्न कर्म का फल दुख होता है और तमोगुण में किए गए कर्म मूर्खता में प्रतिफलित होते हैं। सतोगुण से वास्तविक ज्ञान उत्पन्न होता है, रजोगुण से लोभ उत्पन्न होता है और तमोगुण से अज्ञान, प्रमाद और मोह उत्पन्न होते हैं। सतोगुणी व्यक्ति क्रमशः उच्च लोकों को ऊपर जाते हैं, रजोगुणी इसी पृथ्वी लोक में रह जाते हैं और जो अत्यंत गर्हित तमोगुण में स्थित हैं, वे नीचे नरक लोकों को जाते हैं। जब कोई यह अच्छी तरह जान लेता है कि समस्त कार्यों में प्रकृति के तीनों गुणों के अतिरिक्त अन्य कोई कर्ता नहीं है, और जब वह परमेश्वर को जान लेता है जो इन तीनों गुणों से परे हैं, तो वह मेरे दिव्य स्वभाव को प्राप्त होता है। जब देहधारी जीव भौतिक शरीर से संबद्ध इन तीनों गुणों को लांघने में समर्थ होता है, तो वह जन्म, मृत्यु, बुढ़ापा तथा उनके कष्टों से मुक्त हो सकता है और इसी जीवन में अमृत का भोग कर सकता है। अर्जुन ने पूछा, हे भगवान, जो इन तीनों गुणों से परे हैं, वह किन लक्षणों के द्वारा जाना जाता है, उसका आचरण कैसा होता है और वह प्रकृति के गुणों को किस प्रकार लांघता है? भगवान ने कहा, हे पांडव पुत्र, जो प्रकाश आसक्ति तथा मोह के उपस्थित होने पर न तो उनसे घृणा करता है और न लुप्त हो जाने पर उनकी इच्छा करता है, जो भौतिक गुणों की इन समस्त प्रतिक्रियाओं से निश्चल तथा विचलित रहता है और यह जानकर कि केवल गुण ही क्रियाशील है, उदासीन तथा दिव्य बना रहता है, जो अपने आप में स्थित है और सुख तथा दुख को एक समान मानता है, जो मिट्टी के ढेले, पत्थर एवं स्वर्ण के टुकड़े को समान दृष्टि से देखता है, जो अनुकूल तथा प्रतिकूल के प्रति समान बना रहता है, जो धीर है और प्रशंसा तथा बुराई, मान तथा अपमान में समान भाव से रहता है, जो शत्रु तथा मित्र के साथ समान व्यवहार करता है और जिसने सारे भौतिक कार्यों का परित्याग कर दिया है, ऐसे व्यक्ति को प्रकृति के गुणों से अतीत कहते हैं। जो समस्त परिस्थितियों में अविचलित भाव से पूर्ण भक्ति में प्रवृत्त होता है, वह तुरंत ही प्रकृति के गुणों को लांघ जाता है और इस प्रकार ब्रह्म के स्तर तक पहुँच जाता है, और मैं ही उस निराकार ब्रह्म का आश्रय हूँ, जो अमर्त्य, अविनाशी तथा शाश्वत है और चरम सुख का स्वाभाविक पद है। अध्याय 15, पुरुषोत्तम योग। भगवान ने कहा, कहा जाता है कि एक शाश्वत अश्वत्थ वृक्ष है, जिसकी जड़ें तो ऊपर की ओर हैं और शाखाएं नीचे की ओर तथा पत्तियां वैदिक स्तोत्र हैं। जो इस वृक्ष को जानता है वह वेदों का ज्ञाता है। इस वृक्ष की शाखाएं ऊपर तथा नीचे फैली हुई हैं और प्रकृति के तीन गुणों द्वारा पोषित हैं। इसकी टहनियां इंद्रिय विषय हैं। इस वृक्ष की जड़ें नीचे की ओर भी जाती हैं, जो मानव समाज के सकाम कर्मों से बंधी हुई है। इस वृक्ष के वास्तविक स्वरूप का अनुभव इस जगत में नहीं किया जा सकता। कोई भी नहीं समझ सकता कि इसका आदि कहाँ है, अंत कहाँ है
या इसका आधार कहाँ है। लेकिन मनुष्य को चाहिए कि इस दृढ़ मूल वाले वृक्ष को विरक्ति के शस्त्र से काट गिराए। तत्पश्चात उसे ऐसे स्थान की खोज करनी चाहिए जहाँ जाकर लौटना न पड़े और जहाँ उस भगवान की शरण ग्रहण कर ली जाए जिससे अनादि काल से प्रत्येक वस्तु का सूत्रपात तथा विस्तार होता आया है। जो झूठी प्रतिष्ठा मोह तथा कुसंगति से मुक्त है, जो शाश्वत तत्व को समझते हैं, जिन्होंने भौतिक काम को नष्ट कर दिया है, जो सुख तथा दुख के द्वंद्व से मुक्त हैं, और जो मोह रहित होकर परम पुरुष के शरणागत होना जानते हैं, वे उस शाश्वत राज्य को प्राप्त होते हैं। वह मेरा परम धाम न तो सूर्य या चंद्र के द्वारा प्रकाशित होता है और न अग्नि या बिजली से। जो लोग वहाँ पहुँच जाते हैं वे इस भौतिक जगत में फिर से लौट कर नहीं आते। इस बद्ध जगत में सारे जीव मेरे शाश्वत अंश हैं। बद्ध जीवन के कारण वे छह इंद्रियों से घोर संघर्ष कर रहे हैं जिनमें मन भी सम्मिलित है। इस संसार में जीव अपनी देहात्म बुद्धि को एक शरीर से दूसरे में उसी तरह ले जाता है जिस तरह वायु सुगंधी को ले जाता है। इस प्रकार वह एक शरीर धारण करता है और फिर इसे त्याग कर दूसरा शरीर धारण करता है। इस प्रकार दूसरा स्थूल शरीर धारण करके जीव विशेष प्रकार का कान, आँख, जीव, नाक तथा स्पर्श इंद्रिय प्राप्त करता है जो मन के चारों ओर संपुंजित है। इस प्रकार वह इंद्रिय विषयों के एक विशिष्ट समुच्चय का भोग करता है। मूर्ख न तो समझ पाते हैं कि जीव किस प्रकार अपना शरीर त्याग कर सकता है, न ही वे यह समझ पाते हैं कि प्रकृति के गुणों के अधीन वह किस तरह के शरीर का भोग करता है। लेकिन जिसकी आंखें ज्ञान में प्रशिक्षित होती हैं, वह यह सब देख सकता है। आत्म साक्षात्कार को प्राप्त प्रयत्नशील योगी जन यह सब स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। लेकिन जिनके मन विकसित नहीं है और जो आत्म साक्षात्कार को प्राप्त नहीं है, वे प्रयत्न करके भी यह नहीं देख पाते कि क्या हो रहा है। सूर्य का तेज जो सारे विश्व के अंधकार को दूर करता है मुझसे ही निकलता है। चंद्रमा तथा अग्नि के तेज भी मुझसे उत्पन्न है। मैं प्रत्येक लोक में प्रवेश करता हूँ और मेरी शक्ति से सारे लोग अपनी कक्षा में स्थिर रहते हैं। मैं चंद्रमा बनकर समस्त वनस्पतियों को जीवन रस प्रदान करता हूँ। मैं समस्त जीवों के शरीरों में पाचन अग्नि हूँ और मैं श्वास प्रश्वास में रहकर चार प्रकार के अन्नों को पचाता हूँ। मैं प्रत्येक जीव के हृदय में आसीन हूँ और मुझसे ही स्मृति, ज्ञान तथा विस्मृति होती है। मैं ही वेदों के द्वारा जानने योग्य हूँ। निस्संदेह मैं वेदांत का संकलन करता तथा समस्त वेदों का जानने वाला हूँ। जीव दो प्रकार के हैं, च्युत तथा अच्युत। भौतिक जगत में प्रत्येक जीव च्युत होता है और आध्यात्मिक जगत में प्रत्येक जीव अच्युत कहलाता है। इन दोनों के अतिरिक्त एक परम पुरुष परमात्मा है जो साक्षात अविनाशी भगवान है और जो तीनों लोकों में प्रवेश करके उनका पालन कर रहा है। क्योंकि मैं क्षर तथा अक्षर दोनों के परे हूँ और क्योंकि मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ, अतएव मैं इस जगत में तथा वेदों में परम पुरुष के रूप में विख्यात हूँ। जो कोई भी मुझे संशय रहित होकर पुरुषोत्तम भगवान के रूप में जानता है, वह सब कुछ जानने वाला है। अतएव हे भरत पुत्र, वह व्यक्ति मेरी पूर्ण भक्ति में रत होता है। यह वैदिक शास्त्रों का सर्वाधिक गुप्त अंश है जिसे मैंने अब प्रकट किया है। जो कोई इसे समझता है वह बुद्धिमान हो जाएगा और उसके प्रयास पूर्ण होंगे। अध्याय 16, दैवी तथा आसुरी स्वभाव। भगवान ने कहा, हे भरत पुत्र, निर्भयता, आत्मशुद्धि, आध्यात्मिक ज्ञान का अनुशीलन, दान, आत्मसंयम, यज्ञ परायणता, वेदाध्ययन, तपस्या, सरलता, अहिंसा, सत्यता, क्रोध विहीनता, त्याग, शांति, चित्रान्वेषण में अरुचि, समस्त जीवों पर करुणा, लोभ विहीनता, भद्रता, लज्जा, संकल्प, तेज, क्षमा, धैर्य, पवित्रता, ईर्ष्या तथा सम्मान के अभिलाषा से मुक्ति, ये सारे दिव्य गुण क्रोध, कठोरता तथा ज्ञान ये आत्म स्वभाव वालों के गुण हैं। दिव्य गुण मोक्ष के लिए अनुकूल हैं और आसुरी गुण बंधन दिलाने के लिए है। हे पांडु पुत्र,
तुम चिंता मत करो, क्योंकि तुम दैवी गुणों से युक्त होकर जन्मे हो। हे प्रथापुत्र, इस संसार में सृजित प्राणी दो प्रकार के हैं, दैवी तथा आसुरी। मैं पहले ही विस्तार से तुम्हें दैवी गुण बतला चुका हूँ, अब मुझसे आसुरी गुणों के विषय में सुनो। जो आसुरी हैं, वे यह नहीं जानते कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। उनमें न तो पवित्रता, न उचित आचरण और न ही सत्य पाया जाता है। वे कहते हैं कि यह जगत मिथ्या है, इसका कोई आधार नहीं है और इसका नियमन किसी ईश्वर द्वारा नहीं होता। उनका कहना है कि यह काम इच्छा से उत्पन्न होता है और काम के अतिरिक्त कोई अन्य कारण नहीं है। ऐसे निष्कर्षों का अनुगमन करते हुए आसुरी लोग, जिन्होंने आत्मज्ञान खो दिया है और जो बुद्धिहीन है, ऐसे अनुपयोगी एवं भयावह कार्यों में प्रवृत्त होते हैं जो संसार का विनाश करने के लिए होता है। कभी न संतुष्ट होने वाले काम का आश्रय लेकर तथा गर्व के मद एवं मिथ्या प्रतिष्ठा में डूबे हुए आसुरी लोग इस तरह मोहग्रस्त होकर सदैव क्षण भंगुर वस्तुओं के द्वारा अपवित्र कर्म का व्रत लिए रहते हैं। इनका विश्वास है कि इंद्रियों की तुष्टि ही मानव सभ्यता की मूल आवश्यकता है। इस प्रकार मरण काल तक उनको अपार चिंता होती रहती है। वे लाखों इच्छाओं के जाल में बंद कर तथा काम और क्रोध में लीन होकर इंद्रिय तृप्ति के लिए अवैध ढंग से धन संग्रह करते हैं। आसुरी व्यक्ति सोचता है, आज मेरे पास इतना धन है और अपनी योजनाओं से मैं और अधिक धन कमाऊंगा। इस समय मेरे पास इतना है, किंतु भविष्य में यह बढ़कर और अधिक हो जाएगा। वह मेरा शत्रु है और मैंने उसे मार दिया है, और मेरे अन्य शत्रु भी मार दिए जाएंगे। मैं सभी वस्तुओं का स्वामी हूँ, मैं भोक्ता हूँ, मैं सिद्ध शक्तिमान तथा सुखी हूँ, मैं सबसे धनी व्यक्ति हूँ और मेरे आसपास मेरे कुलीन संबंधी हैं। कोई अन्य मेरे समान शक्तिमान तथा सुखी नहीं है। मैं यज्ञ करूँगा, दान दूंगा और इस तरह आनंद मनाऊंगा। इस प्रकार ऐसे व्यक्ति अज्ञान वश मोहग्रस्त होते रहते हैं। इस प्रकार